नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2021 जारी कर दी है। ये रैंकिंग रिसर्च ओवरऑल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज फार्मेसी मेडिकल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ARIIA और लॉ समेत 11 कैटेगरी में जारी की गई है। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप रैंक हासिल करते हुए भारत में बेस्ट संस्थान बन गया है। लगातार तीसरे साल IIT मद्रास ने टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। IIT मद्रास को NIRF रैंकिंग 2021 में ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भारत में नंबर 1 का स्थान मिला है। आपको बता दें, इस साल जारी रैंकिंग में टॉप 10 संस्थानों में 8 IITs और 2 NITs हैं। देश भर की ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ 10 संस्थानों की सूची में टॉप पर IIT मद्रास है। इसके बाद IIT बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी है। 9वें नंबर पर GNU और 10वें नंबर पर BHU है। NIRF रैंकिंग 2021 में विश्वविद्यालय श्रेणी में एक बार फिर शीर्ष पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। इसके बाद दूसरे नंबर पर GNU, तीसरे नंबर पर BHU, चौथे नंबर पर कलकत्ता विश्वविद्यालय और पांचवें नंबर पर अमृता विश्व विद्यापीठम है। आपको बता दें, ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की 6ठी NIRF रैंकिंग है। इंजीनियरिंग के टॉप 10 कॉलेजों में 8 IIT और 2 NIT शामिल हैं। आपको बता दें कि NIRF रैंकिंग 2015 में शुरू की गई थी और 2016 में पहली रैंक की घोषणा की गई थी। पहली रैंकिंग के बाद से इसके कैटेगरी की संख्या 4 से बढ़कर 11 हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।